गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, हमें समेटिव वन में पेज 40 तक ही पढ़ना है। तो हमने पेज 40 तक कंप्लीट कर चुका है और हमें अब मैंने अब आप लोग को फिर से सिखाने के लिए रिवीजन शुरू किया है, जो कि चैप्टर वन है। चैप्टर का नाम है प्री मैथ्स लर्निंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपके फिर से रिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं और हमें अभी बिग एंड स्मॉल के बारे में पढ़ना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेस रहे। तो बिग मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा। और स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ देखिए, ये रैट जो है, छोटा चूहा जो है, ये क्या कह रहा है? आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। और ये लायन के आगे क्या लिखा है? आई एम ए बिग, मैं बड़ा हूँ। द लायन इज बिग, लायन क्या है? बड़ा है। बिग मतलब बड़ा। द माउस इज स्मॉल, माउस क्या है? छोटा है। टिक द करेक्ट वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड में हमें टिक करना है। फर्स्ट में दिया है रवि हैज ए बिग या स्मॉल बैट, ये रवि है। रवि के पास बिग बैट है या स्मॉल बैट है? तो रवि के पास बड़ा है, अनुज के पास छोटा है, तो रवि के पास बिग है, तो बिग में हम लोग टिक कर देंगे। सेकेंड में अनुज हैज ए बिग या स्मॉल बैट, अनुज के पास बिग बैट है या स्मॉल बैट? अनुज के पास स्मॉल बैट है। अब माई फादर्स हैंड आर बिग या स्मॉल, बोल रहा है मेरे पापा का हाथ मुझसे बड़ा है या छोटा? तो पापा का हाथ बड़ा है, तो बिग हैंड। एंड माई हैंड्स आर बिग या स्मॉल, और मेरा हाथ क्या है, बड़ा है या छोटा? तो पापा से छोटा है, स्मॉल में टिक कर देंगे। तो आप लोग भी इसे फिर से रिवाइज करो, ठीक है।